हाँ तो अजय भाई साहब, आपने एक वीडियो वायरल करी थी जो काफी चैनल पे वायरल रही है, तो उसमें आपका पिटन की बात हुई थी, तो आपने ऐसा क्या कर दिया था कि आपका नंबर बिल्कुल? देखो सुनो भाई, कई दिन तक क्योंकि मुद्दा चल रहा था मोखराड़े में, एक साध्वी झाड़ा लगाने लग रही है, उस तरह आम हुआ है। मैंने सोचा मैं भी एक बार जाकर देखूंगा और जनता की विजुअल लेऊंगा वहां पर कि जनता क्या कहने लग रही है। मैंने स्टार्टिंग किया यानी कि 5 दिन वहां लगातार वीडियो बनाई। 5 दिन क्यों बनाई लगातार है? क्योंकि लोग पहले दिन में गया तो वो जो जिन ताऊ ताई आ रहे थे, भाई बहन आ रहे थे, सारे एक बात कहते थे बोला 3 झाड़े लगाने तो आराम, और 3 झाड़े में मरीज मतलब तक कट जाए। जिस दिन में गया तो पहले दिन था शायद, उन्होंने मारा तो पहले दिन है, मारे 3 झाड़े लग जाए बिल्कुल आराम हो जाएगा, हमें 2-3 दिन और आना पड़ेगा। यानी कि 5 दिन जो लगातार वीडियो बनी तो या तो पहला दिन था या दूसरा दिन था, या पहला दिन था दूसरा दिन था। तो यानी कि साध्वी के जो यही थे, जो उसके गुर्गे थे, उनने सोचा भाई सारी पॉजिटिव बनाने लग रहा ग्राउंड मीडिया, तो हरियाणा के दर्शक जितने भी थे वो भी बोले भाई पॉजिटिव बनाने लग रहा, हालांकि वो पॉजिटिव नहीं थी, जो असल सच्चाई थी वो थी। जैसे ही छठे दिन 3-3 झाड़े सबके लाग लिए, फिर उड़ा रहे, मैंने पूछा ताऊ ताई तारे के आराम होया, उन्होंने बोले भाई मारा कोई आराम नहीं, 3 झाड़े लाग लिए, मारा कोई किसी तरीके का आराम नहीं। यानी कि उसका पर्दाफाश हो गया उड़े उस टाइम पर, तो उन ननु सोचा उड़े उसके जो भी अनुयायी है भाई ये तो पर्दाफाश करने लग रहा है। तो मैंने जो भी चीज़ वहाँ की एक्यूरेट दिखाई, फिर मैंने इंटरव्यू क्या आया योगी सुकराईनाथ का इंटरव्यू ले लिया। योगी सुकराईनाथ ने बोला बोला पाखंडियों के लिए मैं खतरा हूँ, या ये चीज़ जो थंबनेल भी लिख दिया, टाइटल भी डाल दिया कि पाखंडियों के लिए खतरा है योगी सुकराईनाथ। वो वीडियो उसने देख ली, मन तनु लग गया है या पाखंडी महिला जो बैठी है तो इसका मोटा दिमाग है या इसके मानसिक तौर पर बीमार है या पागल है, क्योंकि ये बातें इसी कर रहे एकदम, मतलब उत्तेजित होकर वो कि मैं कह दे समझ में आती ना कहना की है। रही बात में इंटरव्यू करने लग रहा, इंटरव्यू को बीच में उठ के बाज लिया, मतलब मैं मनने नहीं बेरा, मन धर्म क्या हुआ जी, विद्या क्या हुआ है, जड़ चेतन क्या हुआ है, इसने कुछ बेरा ही नहीं, बोली मैं तो अनपढ़ हूँ। अरे अनपढ़ महिला अपने देश का रूल है, आपने पता भाई अनपढ़ ना तो कोई चपरासी नहीं लांदा, अनपढ़ आदमी को लावा चपरासी, उसके लिए क्वालिफिकेशन से मेंबर तक नहीं बनता अपने देश में, मतलब एमए हुई भी एक वायरल हो रही है, एमए वाली एक लड़की चाय बेचा है, और यह अनपढ़ इसने माता मानना है साध्वी मानना है, हमेशा मैं तो तथाकथित साध्वी यह बात करने लग रहा हूँ। लेकिन क्या करा मैंने पंचायत को दिखाया, यानी कि पक्ष पक्ष आपने पंचायत को दिखा, सुनो भाई सारे जितने यूट्यूबर साथी है सब ने दिखा, उसका नु होगी यानी कि मेरी एक वीडियो उसके दिमाग में बैठगी भाई कि योगी सुकराईनाथ को नुका है भाई मैं इनके लिए खतरा हूँ। लेकिन मैं तो क्या था उस दिन भी मैंने जाना तो था पंचायत खत्म होने, लेकिन मेरा जींद ऑफिस में तो फोन आ गया भाई अगर जींद आ जाए एक बार वीडियो तैयार करवानी है, मैं वहाँ जींद आ गया। अगले दिन मैं सुबह जाने की तैयारी कर रहा, इस भाई का फोन आया, नोला जाए भाई आप वहाँ ना जाइयो पिटन की तैयारी है। मैंने लमखा मेरा क्यों मजाक कर रहा, मैंने क्यों पिटेंगे, इन्हें वीडियो भेजी, नोला ये वीडियो देख ले उसमें क्या कहने लग रही है वह जो महिला है वनु का है, बोला ग्राउंड मीडिया वाला ने बुलाओ, बोला उसने अच्छे तरीके से दोगी, यानी कि उसका जो एटीट्यूड अहंकार देखो पत्रकार ने कहने लग रही है उन्हें बुलाओ उन्हें दोगी मैं, फिर क्या कर है यानी कि उसका गुर्गा कह बोला जी ग्राउंड मीडिया वाला आवेगा नहीं तो इन लुगाई बैठा रखे लुगाइया पिटवावांगे उसने, यानी कि षड्यंत्र एक तरफ तो लुगाई नुका है मैं लोगा भला करूँ जनता भला करूँ, दूसरी तरफ है जो निष्पक्ष रूप से हम दिखाने लग रहे हैं वह पत्रकार ने पिटन की तैयारी करी है षड्यंत्र करी है तो कहाँ की दवा साध्वी होगी और कहाँ की वह समाज सेवा करे। दूसरी बात मैंने उस दिन कही थी तो नू लग रही है कहने अब पिछे कुन लेंदी माम है उसके गुर्गे लेवर थाली ने प्रार्थना उनका गढ़ा दे हैं को 100 गेरे को 500 गेरे को 2000 गेरे कड़े फरी में झाड़ा लावे। रही बात 500 आदमी उठे दारू छुटवानी दाव है 1000 बोतल दारू की को इंग्लिश की को देसी की 3-4 लाख रुपये कम तक कम उसकी एक दिन की कमाई और मत 1 लाख रुपया नहीं 4 लाख मत 1 लाख रुपया उसके गुर्गिया ने उसके आदमी ने देखो खड़े करे है। फिर वो लुगाई यार आदमी नु कह है मारा आराम हो गया कैंसर वाली लुगाई नु लग रही कहने बोला मेरे तो कैंसर में आराम हो गया बता कैंसर में आराम कितना हो गया जो आदमी लुगाई जोड़े नु कहने लग रही नहीं मारा झाड़ा तो आराम हो गया वह दिहाड़ीदार है और वो उससे गिर पे लेकर नोट खड़े हुए हैं और बार बार नोटिस करियो बार बार वह आदमी तो आपके चैनल पर भी और चैनल पर भी मेरे चैनल पर भी सेम आदमी वहीं पाओगे आपने नु कहिए अगर बेटी की रिपोर्ट देख लो या ठीक हो गया ठीक हो नया आदमी नहीं मिलेगा आपने। लेकिन 3 झाड़ा के बाद मैंने वहाँ पर लोकल जो पूछा बोले मारा कोई आराम नहीं होगा इस वजह से इस भाई ने वो स्टिंग ऑपरेशन करा वह वीडियो बनाई जब मैंने पता चला अगर मेरे खिलाफ यानी कि मेरे खिलाफ भी पिटन की तैयारी है भाई निष्पक्ष आपने पता है भाई पत्रकार का तो गोली भी लाग जो है निष्पक्ष रूप से जो दिखावा है सच्चाई दिखावा है मतलब गोली तक भी लागी है उनके तो कानूनी प्रक्रिया के तौर पर जो भी उसके ऊपर धारा बनेगी मतलब ऑनलाइन उसके ऊपर मेल डाल देंगे SHO को जो बहु अकबरपुर का जो SHO है और रोहतक SP को हम बिल्कुल ऑनलाइन कंप्लेन डालेंगे और जो भी धाराएं बनेंगी उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। और सभी से निवेदन है भाई पहले भी हम तो कहा अगर एक बार भी मैंने एक वीडियो में मैंने नू कर रखा हो
अगर ज्यादा आराम हो है, यानी कि पाखंड है और पाखंड का हमेशा पहले भी विरोध करा, आज भी विरोध करा, बल्कि सोनू भाई ने तो श्रीनिवास वाले जो बाबा उसका भी पाखंड का जो खुलासा करा था पर्दाफाश का, थोड़ा दूर था जस हत्याकांड मामले में थोड़ा लग रहे थे वहाँ नहीं जान पाए, लेकिन थोड़ा नज़दीक था, सोचा कि देखा वहाँ एक बार देखा तो भाई पाखंड है और बिल्कुल 100% पाखंड है। मत निवेदन है भाई कोई वहाँ पर ना जाइयो, क्योंकि भोली भाली जनता का झाड़ा नहीं बाड़ा फुकवाया जा रहा सोनू भाई। बिल्कुल, तो भाई यो स्टिंग ऑपरेशन होया था कुकर, यू मनस भीतर फंस रहा था और इस्ती बैर तक करया था। तो आइए सारे भाई, राम राम भाई। और मैं बता दूं भाई, जिस तरह मैं पहले तो आया नहीं इस जगह पे, लेकिन मैंने पहले खबर देखी है भाई किस तरह होने लग रहा है, तो फिर मैं इसके बारे में देखा है भाई पंचायत से, देखा है कि कुछ रिजल्ट आऊगा। सुंदर भाई का गेल चला गया, तो सुंदर भाई लाजे मंदिर में चला है तो जाए उड़े हमें, लेकिन मामी तीन जने गए थे, एक धाकड़ हरियाणा भी था और मैं था और सुंदर भाई था। सुंदर अंदर बुला लिया, मैं भाई कोई बातचीत होती होगी कि मेरा किस तरीका की बातचीत हो है, लेकिन जब देखा जब सारे उसके बाहर का झूम रहे थे, वीडियो में भी दिखा है, और साथ मीनू कहने लग रही तू या धमकी समझ ले आओ ले मैं खाओ तो पासा कि मैं और है जो तख्ता पलटन का सौदा चल रहा है। फिर मैंने कैमरा चालू कराया था, मैं कल भाई इसके ऊपर दबाव बनाया जा तो आगे तो लिया भाई के कुछ मामला है, तो वह चुपचाप मैं वीडियो बनाने लाया था, उसमें भी दिखने लग रहा है किस तरीके से बात करने लग रहे हैं वे भाई ने पिटवाने की बातचीत करने लग रहे हैं। और फिर सुंदर भाई था ऊपर यो दबाव डाला जाने लाया था भाई तू उस वीडियो ने काट, एक वीडियो पर था भाई बच्चे और महिलाएं ना देखे हैं वो भाई सुंदर बतावा कि मैटर था, लेकिन मेरा यो मैटर था कि भाई मैं वीडियो बनाने लग रहा चुपचाप लाग भाई कल भीतर यो फंसा रखा शकल मार रखी थी भीतर थे, अब भाई इसका गेल कदे गलत नहीं हो जा, न्यू वीडियो बनाने लग रहा था। और बाद में साधवी ने मेरा पार्ट गया वीडियो, इस वीडियो वाला ने फोन खोसी है इसका न्यू कर दिया मेरे बाजी है पास मेरे लिए हाथ पाई भी हुई है, फिर मैं लाइव भी चल रहा हूँ थोड़ी देर पास कमरा में ले गया मैंने एक पास है, फिर मैं चुप चल रहा हूँ बिना बताई एक बार लाइव चल पड़ा मैं अगर मारा पिट्टी जैसे सर सर फोड़ भी दें तो न्यू तो मेरा पार्ट जाएगा भाई मारा पिट्टी हुई है मेरे गिल्ले यह बात थी मेरी। तो भाई सुंदर भाई भी उड़ा है भीतर फंस रहे थे, शुरू में तो गया था न्यू जनो गोल्ड मेडल थे आवागा, आज साधवी जी ने भीतर बुलाया है भाई प्राउड फील हो रहा है क्योंकि काफी अच्छे अच्छे काम करे हैं, इसी बात में लोकेशन भी भाई ने दी है शुरू में तो जनो बिरानी के पाया गया था। और भाई सुंदर बढ़िया जी बढ़िया, अरे तू पहला तो राह बता फिर इतने भीतर ले जाए क्षेत्र की बात हो रही थी। नहीं देखो क्षेत्र वाली बात इसी है सुन भाई, सारे भाई ने पहले तो राम राम, तो बात यानू है कि मैं और अपना भाई है सुमित और एक धाकड़ हरियाणा, तो महा भाई चलो आज पंचायत होगी अरे पंचायत में देखा है भाई के कुछ होगा, तो हम ही मंदिर में चले गए, मंदिर में बाहर तो कोई था कोई नहीं झाड़ा लागे कौन था, महा चलो भीतर चलांगे भाई भीतर के कुछ होने लग रहा चल देखांगे। भीतर गया भीतर भाई साधु बैठी थी और भी कई भाई बैठे थे उड़े भीतर, तो मैं बाहर तो दिख गया बोलिया यो है वो सुंदर दिनों दिया इसने बुलाओ भीतर, तो भाई मैं चला गया भीतर जिस तरह साकल बंद कर रखी थी साकल खोल के, और फिर ये भी मेरे गली जाते बोलिया इन बाहर रहने दो सुंदर सुंदर ने बुला लो घर पर का काम हो रहा था सुंदर का थोड़ा नहीं सुंदर जी, सुंदर ना आने दो जी। या क्यों हुई क्योंकि एक अपनी वीडियो सुनो भाई वह वायरल हो गई थी एक दिन में पता नहीं कितने 87,000 इतने चले गए थे उसके व्यूज, और वह उसमें एक ताऊ जी हैं जो मोखरा गांव से हैं वो कुछ इसे शब्द कह दे हैं जो आप जिस तरह भाई मैंने वो लिखना पड़ा बच्चे और महिलाएं ना देखे वल्गरिटी थी उसका हाँ वो थी, तो भीतर जाके बोलिया सुंदर तने यो इसमें वीडियो में के लिख रखे माँ के लिख दिया जी नुबली इसमें नू लिख रखा है एक साधवी का पर्दाफाश माँ जी दिखाओ कितने लिख रखा है, फिर उसमें वीडियो बोलिया ले देख फिर उसमें कौन पाया फिर उसमें नू लिख रखा था एक बच्चे और महिलाएं ना देखे बोलिया यो लिख रखा माँ जी वो तो कौन है लेकिन यो तो जो ताऊ जी ने कही है वह बात लिख रखी मैंने नुबली अच्छा, तो नुबली एक जो यह वीडियो है यह डिलीट कर दे माँ जी डिलीट क्या तो कर दूँ जो ताऊ ने बोल रखा है वो ही तो है इसमें, फिर जो उसके आसपास के थे वे अपना भाई है इसका बारे में जिस तरह बात करने लगे एक वो भी है जी ग्राउंड मीडिया वाला और बार जिस तरह आप सुन भी रहे हो महिला है बार उन तक पिटवाना है, तो यह बात होंदी होंदी फिर जो एक और भाई आया वो नु बोलिया अके तने लिख क्या रखा है यू के तो इसका चेंज कर और नई वीडियो डिलीट कर, माँ भाई मैं कौन करूँ क्योंकि मैंने गलत इसमें के लिख रखा है नू बता जो ताऊ ने बोल रखा वही लिख रखा है, तो फिर नू आंदी आंदी मतलब थोड़ी देर पास अपने सुमित भाई हैं यो वीडियो बनाओ था, तो बाहर तो दो तीन जने जिस तरह बोले अके यो छोरा वीडियो बनाओ है इसका फोन खोज के लाओ, तो इसके गली इतनी देर में आथा पाई होगी तो फिर मैं गेल गेल बाहर आ गया इसका सुमित का सुमित जिस तरह नू निन्ना था अरे इसका चिपट रहे थे फोन खोस रखा था तो फिर मैं जिस तरह वे सारे अटके पाछ है मैं बोला सुमित एक बार भीतर आ जा साधवी बोला है सुमित बोला भाई मैं कौन आऊँ माँ सुमित मैं हूँ ना भाई
आपा चल लांगे भीतर मामला हो जाए भीतर नहीं जाना बिल्कुल बिल्कुल आपा तो भाई जी बेरा कौन था पहला जमा घर भर की बात हो रही थी सुनो भाई एक थाने में खाओ थे नहीं एक खाली बात नहीं सुनो उसके बाद फिर सुमित कौन गया मैं चला गया भीतर जा पक्ष है फिर वे फिर बोले आके या वीडियो डिलीट कर दिया महा वीडियो डिलीट कौन हो जी फिर इतनी देर मैं जिस तरह बैग उठा के मैं बाहर आ गया बाहर आ पास सुमित वीडियो बनाने लग रहा था यही बात थी सुमित लाइव चल रही थी तो इसमें जिस तरह नू को नहीं भाई अगर सुंदर बंदी बना लिया और छुटवाएगा इसी तो कोई बात को नहीं क्योंकि मैं अपना खुद अपनी मर्जी तक आया था और मर्जी तय भाई बाहर आया था नू को नहीं अगले भाई बंदी बना और छुटवा के लिया ऐसा कोई कौन था बात या उसका जो हाँ वीडियो थी उसने डिलीट करवाने खातर था क्योंकि उस वीडियो में इसी बात बोल रखी थी कि साध्वी के प्रति और उनका वादड़न हुई होगी भाई सुनो भाई बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई पता है कोई भी अपनी दुकानदारी ने यार बंद करवाएगा कौन राजी हुआ है क्योंकि जे किसी का पेट पर लात लगेगी नहीं जिस तरह आपकी सच्चाई है हाँ। मन मेरा है मैं आपकी सच्चाई बताऊंगा तो आपका झुंझड़ नहीं उठेगी बिल्कुल साथ भी नू कहना चाहता मेरी ने सच्चाई ना दिखाओ और जो पाखंड चल रहा है यो दिखाई जाओ एक वीडियो विपक्ष में मनगी तो साथ भाई जब मैं शुरू में गया था तो उसके जो चमचे थे उनकी पहले जगह बता दिया था बोला जी यू सोनू बाली है सैनीवास गोभी खोद गया था बोले ना दे यू इंटरव्यू फिर यू भी भाई साहब बड़ा पहुंच रहा था तो मैंने थोड़ा सा रात हो गई थी वो टाला टालने की कोशिश करे फिर मैं रहते ले इंटरव्यू भाई तो इंटरव्यू धक्का तो ले गया था और बाकी सारी वीडियो आपने लिख रखी अरे प्रत्येक वीडियो में आपने पोले खोल रखी है जिस तरह शायद उसका नाराजगी हो मैं तो पहला भी कहूँ और इसकी तरह भाई वही बात है मेरा पे भी उसका दबाव डालने की कोशिश करी हो लेकिन किसी प्रकार का दबाव आप ना मान दे क्योंकि सैनीवास वाला भी जोर लाया था और दूसरे भगतान की भी जोर लाया था और उरान ते भी किसी तरीके से तो किसी प्रकार कोई भी आप दबाव मानते को नहीं और किसी भाई ने दबने की कोई जरूरत नहीं है किसी का कोई समस्या है तो जरूर भाई बता भी दियो भाई यहाँ गल खड़े रहेंगे अगर किसी गल कोई जाति होने लग रही है तो इन गल जिस तरीके की बात हुई है और इन भाइयों भी कहाँ हाँ भाई जे तो हमने न्यू लग गया है कि होड़ा जाएगा नहीं कुछ करना है फिर भी भाई अगला जानने तैयार हाँ और पवन भाई तभी यह कहवा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है जे इब भी लगता हो कि तने किसी तरीके की मारी जरूरत है उड़ा गांव में उसका डेरा का शामी कि मैं न्यू उसका मुंह आगे कहना हो भैया क्यूकर है तो ओड़ा चालन ने तैयार हाँ किसे भाई के किसे राय भी कोई भी समस्या है तो बताइयो भाई जरूर भाई, और एक बार भाई एक बार लास्ट अगर मैं रियल में दोषी हूँ मैंने कोई गुनाह कर रखा है तो भाई जेल तैयार है बिल्कुल मैं तैयार हूँ अपनी हर सजा के लिए अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो फिर मेरी क्या एक्सपोजिंग वो रह गया मैं बिल्कुल क्या बताऊंगा आप लोगों को सही बात है फिर तो कोई भी सबूत है ना रियल में अगर मैं अपराधी हूँ तो मैं जेल में जाने की तैयार हूँ ना तो भाई उसकी भी जेल होनी चाहिए और भाई फिर अपनी जान ने रियल में खतरा है डर लग गया भाई रियल में डर लग है बढ़िया भाई भाई न्यू है इतना भी डरने की जरूरत को नहीं की खामन खाई अगला तेरा कड़प टंग ले कोई घनी सी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं क्योंकि डरदा ना दुनिया डराई करे कोई बात नहीं तो सुनो भाई जो अपन ने पहली वीडियो बनाई ना और बाहर अपन जो भाई खड़े थे उनता जो गांव वाले थे तो अपन बेरा भी कौन था भाई कौन है कौन नहीं तो मैंने उन तबुजी महा भाई गांव तय है इसे गांव का बोले हाँ तो महा भाई शुरू में तो आप इसका साथ में हो और बाद में यह बनेगी जो सैनीवास में बनी थी ना पहले तो गांव वाले उसके साथ में थे और फिर विपक्ष में बोलने लगे तो महा आपके साथ में यह होगी क्योंकि यार जिस तरह बच्चे पढ़े हैं और खेता में भी जहाँ है साधन इतने आओगे बहुत ज्यादा और यह वीडियो अपने चैनल पर है भाई आप देख भी लियो मैंने साफ साफ बोल भी रखा है हर वीडियो मैंने बोल भी रखा भाई आपा पाखंड के सत खिलाफ हाँ और आपा नहीं मानते भाई जाड़े जुड़िया ने भाई सुंदर भाई की बात सही है लेकिन सुंदर भाई ना उसका है यह बात कही तो सही खातर लेकिन वह न्यू मानेगी ना सैनीवास में इस तरह का बिजनेस नहीं होया था तू और तरिया तक करके देख तो वह कुछ और लेगी होगी और भाई पवन भाई की कोई भी वीडियो उठा के देख लियो अगर आपने लगा है कि यू बंदा गलत है तो इसकी FIR करवाएगा नहीं इसकी भी ठकवा दो भाई कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने लगा है कि वह जुशी अपना अपना साधु भी कवे है और वह गलत है तो भाई उसका खेड़ा छोड़ दो और जितने भी पत्रकार बंधु हैं जितने मीडिया कर्मी हैं भाई उड़ा जाना बंद कर दो और उसकी आवाज देनी बंद कर दो और जो अपने विचार हैं इस वीडियो का नीचे जरूर दियो वीडियो ने शेयर कर दियो मिला है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय जवान जय किसान।